बेयर मेटल प्रोवेनिंग आर्किटेक्चर है, बेयर मेटल ऐसे सर्वर होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। आप उन सर्वर्स को भी क्या करा सकते हैं, रेंट रुपए दे सकते हैं, उनको कंपनीज को दे सकते हैं कि क्या करें कि वो उस पर अपना ओएस इंस्टॉल करें और उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे वो हो सकता है, वर्चुअलाइज हो सकता है। जाहिर बात है आपने कोई चीज़ असेस करनी होगी, किससे, किसी आईपी एड्रेस से असेस करेंगे ना, इंटरनेट पे असेस करना है एक सर्वर, एक ऐसा सर्वर जिसके अंदर क्या है, ओएस इंस्टॉल ही नहीं है, क्या आप उसको असेस कर लेंगे? नहीं सर, लेकिन सर अगर उसकी विचुअलाइजेशन की, ऐसे तो इंस्टॉल हम नहीं कर सकते सर, लेकिन अगर उसकी विचुअलाइजेशन करवाई हुई है और सबको असेस दी हुई है एक ही ओएस की हाइपरविजन के थ्रू, तो फिर हम असेस कर सकते हैं जी। इसके अलावा कोई जी, कोई नेटवर्क के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं कोई? हाँ नहीं, आप बताओ जरा। नहीं मिल गई तो नाश्ता करने चला गया। अच्छा हाँ जी ठीक है। अच्छा जी जी बताइए सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके उसे आईपी नहीं मिल सकता, आईपी नहीं मिलेगा तो फिर हम उसे किस तरह एक्सेस करेंगे? उसको एक्सेस कर सकते हैं आपके सिस्टम में, जब आप सिस्टम लेके आते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं सर, उस वक्त तो नहीं होता, लेकिन उस वक्त हम कनेक्ट भी तो किसी से नहीं कर सकते। नहीं कनेक्ट अगर अगर हम चले सपोज कर लेते हैं कि जी आपकी जो मशीन है अगर आपको इंटरनेट के खुद ब खुद से वो कर लेती है, किसी नेटवर्क पे चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी आपका जो एक सर्वर है वो कनेक्ट हुआ होगा किसी दूसरे सर्वर के साथ, लेकिन वो बिल्कुल उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उस सूरत में भी नहीं कर सकती। देखिए जैसे बिल्ट इन रोम होती है आपकी, आप सीडी डालते हैं, वो क्या करता है आपको? जी सर उस वक्त तो हो जाता है, उस वक्त हो जाता है जब वो सारी विंडो इंस्टॉल करता है। विंडो इंस्टॉल करने के बाद वो आता है कि आपके पास लाइन कार्ड है और ये आपके पास अवेलेबल नेटवर्क आ रहे हैं। जी सर आ रहे होते हैं, यानी कि वो उस रोम के अंदर फंक्शनैलिटी है ना, कि वो आपको क्या करा रही है, एक जियो ही प्रोवाइड कर रही है कि आप क्या करें किसी भी नेटवर्क से क्या कर लें, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा उसमें ये होता है जैसे जाहिर बात है उस सबको पता है कि बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसके उसमें चलना नहीं है। हर जो जो स्विच होते हैं, जो राउटर्स होते हैं ना, ठीक है, इनकी अपनी अपनी रोम्स होती हैं इनकी ना, ये बिल्कुल इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते जैसे ये हम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक रैक में 10 वो स्विच लगा रखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके जरिए कनेक्टेड होंगे, उस स्विच के जरिए, उस रैक के जरिए होंगे ना, जो रैक उसको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कभी आपने कोई सर्वर इंस्टॉल किया है, ये लाइन का ये स्विच राउटर वगैरह इंस्टॉल किए हैं कभी? किसी का एक्सपीरियंस? किसी का भी नहीं है? अच्छा चलें, अच्छा चलें इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा दिस आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट्स द प्रोवीजन ऑफ बेयर मेटल सर्वर ऑन डिमांड। सर पैकेट ट्रेसर वगैरह पे किया हुआ है लेकिन वैसे नहीं किया हुआ रियल टाइम में, ठीक हो गया। देखिए उसके साथ ना वो आता है पूरी पूरी सीडीज होती है, उनके अंदर अपनी रोम होती है, इनके अंदर अपनी रैम भी लगी होती है। सर मैनेजेबल स्विच पे किया हुआ है मैंने ना। जी बेटा मैनेजेबल स्विचेस पे काम किया हुआ है, 48 पोर्ट वाले रूम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बताएं जरा क्लास को, कैसे आप इंस्टॉल करते हैं राउटर को, मैनेज स्विच मैनेज को? सर उसके अंदर हम कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करते हैं और बाद में हम VLANs बना के तो उनको फिर अटैच कर देते हैं। जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो क्या करते हैं उसको? सर
तो उसका रूट का पासवर्ड देते हैं और यूजर नेम देते हैं, तो फिर उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर वो खराब हो जाए या करप्ट हो जाए तो हम उसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, उसको रिबूट कर री वो कर देते हैं, बस कर देते हैं। जाहिर बात है कि या तो देखें जितने भी वो आ रहे हैं वो तो या तो बिल्ट इन उनके अंदर खुद ब खुद क्या होता है, जैसे विंडो 10 के अंदर क्या होते हैं बिल्ट इन ड्राइवर्स हैं, खुद ब खुद क्या कर देती है ड्राइवर इंस्टॉल कर लेती है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसे ही जी सर। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप फिर उसकी सेटिंग को असेस करते हैं, जैसे आपके घर का मोडेम भी होता है, मोडेम भी आप क्या कर रहे होते हैं पोर्ट के जरिए उसको असेस कर रहे होते हैं, जब आप लगाते हैं तो वो क्या कर लेता है उसका बेसिक ड्राइवर इंस्टॉल करके आपको वहां तक असेस दे देता है, ऐसी है। अब उसके उस राउटर में भी कोई पर्टिकुलर वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल नहीं है ना, कोई GUI तो इंस्टॉल नहीं है ना, लेकिन वो आपको रोम के जरिए या चिपसेट के जरिए आपको या एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए असेस दे रहा है, क्या दे रहा है कि आप उस राउटर को असेस कर लें, ऐसी है जी सर। आपके घर में DSL लगा होगा, सबके घर में लगा होगा, वहाँ आपको एक राउटर भी नजर आ रहा होता है, ठीक है, आप उसको असेस कर रहे होते हो IP एड्रेस के जरिए असेस कर रहे होते हो ना 192.168, ऐसे ही होता है जी सर, बिल्कुल ऐसे और तकरीबन सब और सबका IP एड्रेस सेम भी होता है, ये एक अलग डिबेट है, ये किसी और उसमें करेंगे, चलिए अभी हमारे बहुत कवर करना है। अच्छा जी, वो कहता है कि जी दीस सर्वर डू नॉट हैव OS और हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड व्हेन द प्रीवेनिंग सर्वर प्रोसेस इज इनिशिएटेड, जब ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है उसमें कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे यूनिवर्सिटी में सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है जी इसको लीज पे लेना है, ठीक है, ये आप जाए यहाँ पे ये IP एड्रेस दें, आप उसको क्या कर लें असेस करें, अपने मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और उसको जैसे मर्जी यूटिलाइज करें, ठीक है, ये यानी कि बेसिकली जो है ना बेयर मेटल प्रीवेनिंग सर्विस ये वाली है ना। वो कहता है कि दीज सर्वर्स आर रिक्वायर्ड टू कंटेन सम मैकेनिज्म टू बी असेस थ्रू रिमोट मैनेजमेंट कंसोल टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर बात है उनको भी क्या चाहिए होगा, कोई मैकेनिज्म चाहिए होगा ना कि उसको हम असेस करके ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे या हाइपरवाइजर क्या कर देंगे उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। फिर जो फंक्शनैलिटी है ना ये है या तो बिल्ट इन रोम के अंदर होती है, कंटेन इन चिपसेट जो चिपसेट के अंदर मौजूद होता है, और जो एक्सटेंशन स्लॉट या उसके अंदर एक्सटेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने GPU लगाना है, वैसे तो जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं उनमें तो स्लॉट्स लगी होती हैं, लैपटॉप्स में छोटी 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 स्लॉट्स लगी होती हैं, अगर आपने कोई इसमें क्या करना हो कोई हार्डवेयर ऐड करना हो तो इसके अंदर भी क्या होती है एक्सटेंशन स्लॉट्स की मदरबोर्ड के अंदर वो होती है गुंजाइश होती है, ठीक है, तो कहते हैं इनके जरिए आप क्या कर सकते हैं ऐसे सर्वर तक क्या कर सकते हैं हो सकते हैं, ठीक है। जब वो कहता है कि दिस कैन बी एक्सेसिबल थ्रू अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम थ्रू अ वेब, अब आप इसके जरिए या एक्सपेंशन स्लॉट या बिल्ट इन रोम, ठीक है, या वो जो आपने हाइपरवाइजर अगर उस पर इंस्टॉल कर दिया है उसको असेस करके, ठीक है, तो उसके जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं असेस कर सकते हैं, और उसका फिजिकल IP रिक्वायर होगा रिक्वायर्ड होगा फॉर कनेक्टिविटी। IP एड्रेस कैन बी कॉन्फ़िगर मैनुअली और थ्रू DHCP, वो IP एड्रेस को कहते हैं या तो मैनुअली कर लें या DHCP के जरिए उसको क्या कर लें एलोकेट कर लें, ठीक है, फिर जब ये काम कर लेंगे तो बेयर मेटल प्रोवीनिंग कैन बी ऑटोमेटिक टू अवॉइड मैनुअल डिप्लॉयमेंट एरर एंड रन टाइम डिले इन हाइपरवाइजर डिप्लॉयमेंट थ्रू रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो कहता है फिर आप इन सारी चीज़ों से क्या हो जाते हैं जब आपकी असेस हो जाती है फिर वो आप उसे कंट्रोल में आ जाते हैं, जो ये डिप्लॉयमेंट के एरर हैं ये टाइम डिले है ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं आपके ना जी, यानी कि फिर आप उस सर्वर को क्या कर रहे होते हैं रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आपका जो सर्वर है वो LG में ही पड़ा हुआ है जिस पे मॉडल चल रहा है, ठीक है, आप उससे क्या कर रहे हैं वहीं से हम क्या कर रहे हैं उसको असेस करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमने जब उसको किया तो वो हीट अप होने लग गया तो हमने जाके यूनिवर्सिटी में उनके ACs ऑन कर दिए 24 घंटे, हम ACs क्या करते हैं उस डाटा सेंटर में जहाँ वो सर्वर पड़े हैं वो उसको क्या कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जो कहता है ऑटोमेटेड बेयर मेटल प्रोवेनिंग अलाउज द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मल्टीपल सर्वर बाय यूजिंग द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कहता है कि आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 10 सर्वर पड़े हुए हैं वहाँ और सब में सब क्या है, ठीक है, जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना तो क्लाउड सर्विस ऐसी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आपको फिजिकल स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 TB की या 1 PB की है
स्टोरेज खरीद के कहीं इंस्टॉल करके आपने रख ली है, अब वहां से आप क्या कर रहे हैं, अपने क्लाउड कस्टमर को एलोकेट कर रहे हैं जो जो भी लेना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी ये बेयर मेटल सर्वर जो जो वो होते हैं सर्वर होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या किए रखते हैं, कोई ना कोई कंपनी आज से बना के ये सर्वर वहाँ रख लेती है और फिर थ्रू आपको फिजिकल एड्रेस क्या कहती है कि ये आपका सर्वर है, आप इसको क्या कर लें जैसे मर्जी यूज कर, ठीक है। वो कहता है जो ऑटोमेटिक बेयर मेटल प्रोविजनिंग सेंट्रली कंट्रोल, ये सेंट्रली कंट्रोल होती है, जारी बताया जो पूरी कंपनी ने सेटअप किया है कि जी मैंने आपको सर्विसेज ही कौन सी देनी है, बेयर मेटल के सर्वर ही प्रोवाइड करने हैं, तो जारी बात है वो सारा का सारा एक सेंट्रल सिस्टम लगा के मॉनिटरिंग सिस्टम लगा के फिर वो बताएगी कि हाँ जी 10 सर्वर में से 3 सर्वर मेरे क्या हो गए हैं, इस कंपनी को चले गए हैं, 4 इसको चले गए हैं, 2 इसको चले गए हैं, तो आप रिमोटली क्या कर रहे होंगे उन सबको मैनेज भी कर सकते हैं। द कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स द सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर ओएस इंस्टॉलेशन, ठीक है। जो कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर होगा जाहिर बात है बगैर उसके तो वो कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल ही नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम होगा जिसके सारे सर्वर कनेक्ट होंगे, फिर वो बताएगा कि एक एक सर्वर पे इससे मैंने विंडोज करनी है, इससे पे लिनक्स करनी है, यानी वो कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो मर्जी उसको वो इंस्टॉलेशन कर सकता है उसके ऊपर। जी अच्छा जी वही स्टेप्स हैं, कहता है कि जी फॉलोइंग आर द स्टेप्स, द कंज्यूमर कनेक्ट द सेंट्रल सॉफ्टवेयर थ्रू सेल्फ सर्विस पोर्टल, एक पोर्टल के जरिए कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ उसको जितने भी अवेलेबल सर्वर होंगे वो शो हो रहे होंगे, द कंज्यूमर चूज द सर्वर एंड ओएस टू बी इंस्टॉल, ठीक है, अपनी मर्जी से वो जो जो भी सर्वर इंस्टॉल करना है, द कंज्यूमर स्टार्ट यूजिंग प्रोविजनिंग सर्वर, तो इस तरह वो क्या कर सकता है वो सर्वर तक एक्सेस हासिल कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। जी क्लास क्लियर हो गए, बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। बड़ा यस स्लो निकला है, यस यस सर आगे जी, यानी कि अब वो बता रहा है कि जी अगर आपने ऐसा कोई सर्वर यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए भी क्या कर सकते हैं, उस ऐसे आर्किटेक्चर्स को हम क्या कहेंगे, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जहां आप सर्वर यूज पड़े हुए हों तो उसको हम बेयर मेटल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर ऐसे आर्किटेक्चर्स जो आपको फौरी फौरी क्या करें, जो आपको रिसोर्स चाहिए हो, जो आईटी रिसोर्स चाहिए हो, वो उसी वक्त आपको क्या कर दें, अवेलेबल कर दें, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने S3 देखा था, लैम्डा फंक्शन देखा था, ऐसे ही था ना, वो उसी वक्त आपने विद इन क्या करते थे, आपने जो VMs इंस्टेंस क्रिएट किए थे विद इन क्या कर रहे थे, विद इन मिनट्स आपने क्या कर लिए, रिसोर्स गेट कर लिए थे, ठीक हो गया। फिर बीमस्टैक इंस्टॉल किए थे, बीमस्टैक में भी क्या हुआ था, उसने ओएस भी क्रिएट कर दिया आपका, वो भी फ्रेमवर्क भी डाल दिया उसमें, वो इंस्टॉलेशन भी कर दिया, यानी कि जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो उसी वक्त ही क्रिएट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज हम डेटाबेस की सर्विस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो उसी वक्त ही क्या करेगा, वो हमारे लिए एक सर्वर भी क्रिएट कर देगा, वो हमारे लिए इंस्टेंस भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर हम उसको थर्ड पार्टी के जरिए क्या कर लेंगे उसको, यानी कि रैपिड प्रोविजनिंग हमें फौरी तौर पे जब हमें जरूरत होगी उसी वक्त हमें क्या मिल जाएगा, वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, रैपिड प्रोविजनिंग, ठीक है। अच्छा इसमें वो कह रहा है कि आप पूरे का पूरा पूल भी इनिशिएट करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने 50 वर्चुअल मशीन चाहिए, चलिए वो आ रहा है उसके अंदर पढ़ लेते हैं। The prevailing cloud IT resource can be automatic to the save time, reduce human related errors and increase the throughputs. For example, a consumer can initiate the automatic prevailing of 50 VMs simultaneously instead of waiting the one by one. For example, कहते हैं मुझे 50 VM कठी चाहिए, अब एक एक आपको नहीं, आप initiate करेंगे, आप फोरिया करेंगे 50 की 50, आपको क्या कर देगा, एक pool लेके आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। वो कहता है रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर हैज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, इंप्लीमेंटेड बाय सर्वर टेम्पलेट्स, सर्वर इमेजेस, एप्लीकेशन एंड पास पैकेजेस, कहता है कि इन सब के जरिए होता है, ठीक है। अब सर्वर टेम्पलेट आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही आप क्या करते थे, उसकी सर्विस करते थे, तो आपके वहाँ
टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल थे कि आपने कौन सी इंस्टेंस क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है, तो वो फोर ई क्या थे, जी स्क्रीन नजर आ रही है क्लास? जी सर, जी सर। जब आप रनिंग इंस्टेंस में जाते थे और यहाँ के आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते थे, लॉन्च इंस्टेंस किया आपने, तो ये जो थे ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं ना, आपने जस्ट क्या करना है, इनको किसी एक को सिलेक्ट करना है, ऐसी जैसे विंडो सर्वर था, डीप लर्निंग AMI है, ठीक है, और इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं, अच्छे से अच्छे सर्वर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, जो मर्जी आप क्या करें इनमें से चूज कर रहे हैं, यानी कि ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, 44 और शायद 39 AMI हैं, अमेजोन मशीन इमेजेस उसने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि जैसे ही क्या होगा, जैसे आपको रिक्वायरमेंट आती है रैपिड, उसी वक्त क्या करेगा, वो आपको सेटअप करके आपको एक आईपी एड्रेस दे देगा कि लो भाई क्या करो, ये इंस्टॉल हो गया, इसके ऊपर अपना काम शुरू कर दो, ठीक हो गया। जो कहता OS एंड एप्लीकेशन बेस्ड एंड कॉन्फिगर्ड डिफरेंट अप्लाइड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ OS एंड एप्लीकेशन कस्टमाइज स्क्रिप्ट एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर स्मूथ प्रोसीजर following step can be visualized during the automated rapid provisioning. A customer choose a VM package through self-service portal and submit the provisioning. ठीक है, जारी बात है, आप अपने उस पोर्टल में से जाके कोई ना कोई क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट कर देना है, सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग मॉड्यूल सेलेक्ट एंड अवेलेबल VMs एंड इनिशिएट थ्रू अ सुटेबल टेम्पलेट, एक टेम्पलेट के जरिए क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वो उसके बारे में बता रहा है कि जब आपने बल्क के बारे में करना है, यानी कि 50 के 50 VM आपने क्या करनी है, उसको एक्टिवेट कर लेनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैपिड प्रोविजनिंग, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि आपकी सर्वर मशीन्स भी पड़ी होती हैं, टेम्पलेट्स भी पड़े होते हैं और एप्लीकेशन, वो सारा कुछ रेडीमेड होता है, आपने जस्ट क्या करनी होती है, उस पोर्टल से जाके सेलेक्ट करना है और क्या हो जाना है, वो VM क्रिएट हो जाना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। कौन सा कहते हैं? ठीक हो गया। अगला जो आ गया आपके पास आ गया है स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। जैसे इसके नाम से जाहिर आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट है, कि जो स्टोरेज है आपकी, ठीक है, उसका जो वर्कलोड है, उसकी जो मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर है वो कैसे होगा, ठीक है। इसमें वो कहता है कि जो आपके जो लॉजिकल यूनिट नंबर होते हैं ना, जैसे आपकी ड्राइव है, जैसे मेरे दो ड्राइव नजर आ रही है, सी और डी ड्राइव है, ठीक है, तो इसी तरह वो कहता है जो क्लाउड पे आप डाटा वो स्टोर कराते हैं ना, वहां होते हैं आपके लॉजिकल यूनिट नंबर्स, ठीक है, इज अ लॉजिकल ड्राइव, जो आप ड्राइव्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली पार्टीशन की होती है एक फिजिकल। नेक्स्ट इसमें डायग्राम में देख लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है कि जो आपके पास ना तीन स्टोरेज पड़ी हुई है, ठीक है, तीन स्टोरेज की कैपेसिटी है, और उसके ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, लॉजिकल यूनिट्स हैं। इस स्टोरेज के ऊपर क्या है, दो लॉजिकल यूनिट्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें वो बता रहा था कि स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम है और स्टोरेज कैपेसिटी मॉनिटर है, ठीक है, ये दो मिलके काम कर रहे हैं। जैसे हमने ASL, इसमें ASL भी आते हैं, जो आपके ये कर रहे थे ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर होते हैं, स्केलर जो लिसनर होते हैं, जो आप देखते हैं कि जी कौन सी मेमोरी मेरी क्या होगी, फुल होगी और कौन सी मेमोरी, यानी कि स्टोरेज को वर्कलोड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये तीन है, तीन में एक ही स्टोरेज आपकी क्या होगी है, ये वाली स्टोरेज क्या होगी आपकी, यही यूटिलाइज हो रही है, बाकी दो स्टोरेज क्या पड़ी हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ठीक है। अब कहता है कि जो आपके पास स्टोरेज का जो वर्कलोड आएगा वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, कितने स्टोरेज पे, इन तीन स्टोरेज पे, क्लियर है जी सर। चलिए, अब वो यही चीज बता रहा है कि स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इंश्योर अ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लॉजिकल यूनिट अक्रॉस दिस क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस, कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि क्या है, एक स्टूडेंट को मैंने दो पेपर दे दिए और एक को मैंने कहा है कि तुम मौजें करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
काम इक्वली डिवाइड होना चाहिए जी. इवन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिकल यूनिट इज डन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, वो कहता है कि दो चीजों से इम्प्लीमेंटेशन है जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम है और दूसरा स्टोरेज मॉनिटरिंग है. एक कैपेसिटी वो चेक कर रहा है कि हाँ जी कि मेरी आप हार्ड ड्राइव क्या हो गई है, फुल हो गई है, एक स्टोरेज यूनिट फुल हो गया है तो मैंने इसको मैनेज करना है, फिर दूसरी स्टोरेज के पास आनी है, ठीक है, फिर तीसरी के पास जानी है, ठीक है. वो कहते हैं स्टोरेज मॉनिटरिंग मॉड्यूल हाईलाइट्स दी ओवरबर्डन स्टोरेज डिवाइस. जो स्टोरेज मॉनिटरिंग मॉड्यूल होगा वो जारी बताएगा कि ये सिस्टम ओवरलोड हो गया है, ओवरबर्डन हो गया है, तो क्या करो, जो स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम है आप दूसरे वाले पे शिफ्ट कर दो, ठीक है. वो कहता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम इवनली डिस्ट्रीब्यूट दी लॉजिकल नंबर ड्राइव्स, ठीक है. अब वो बता रहा है कि इसके ऊपर आपको क्लाउड कंज्यूमर है, ठीक है, उसने जो स्टोरेज ली है स्टोरेज वन पे उसके दो यूनिट चल रहे हैं. फिर वो कहता है कि जी अब तीन और आ गए हैं, तीन सेकंड वाले पे हो गए हैं, ठीक है. अब स्टोरेज वन पे तीन यूनिट है, स्टोरेज टू पे तीन यूनिट है, लेकिन स्टोरेज थ्री बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है. तो वो क्या करेगा, एक यूनिट वहां से उठाएगा, एक यूनिट वहां से उठाएगा, ठीक है. जो कैपेसिटी मॉनिटर सिस्टम है वो एक यूनिट उठा के उसको थर्ड वाले पे रखेगा, फिर जो देखेगा कि स्टोरेज टू वाले पे भी क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो तीनों में उसने क्या कर दिया, अब जो स्टोरेज थी वो इक्वली क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है तीन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर. जी स्टोरेज क्लियर है. इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी आर्किटेक्चर्स को हम कहते हैं स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट, ठीक है. जो वर्कलोड आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या है, कि कौन सा हो रहा है, ठीक है जी. इसके बाद जो आपका आर्किटेक्चर आ गया है ना, वो कुछ स्पेशलाइज आर्किटेक्चर है, ये एक दो आर्किटेक्चर है स्पेशलाइज आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर्स, आईओ, इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर, ठीक है. अच्छा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी होती हैं जो आईओस, कुछ आईओ होती हैं, जैसे प्रिंटर की कमांड हो गई, इसमें क्या चाहिए होता है, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए होती है. कुछ सिस्टम कॉल्स भी होती हैं, कुछ प्रायोरिटी कॉल्स भी होती हैं, ऐसे ही होता है जी सर. क्या हम उसको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं स्टोरेज को या प्रोसेस को? नो सर, प्रोसेसर के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट भी मिल जाती है, लेकिन वैसे हम जो फॉलो करते हैं वो ये प्रोसेस के थ्रू देते हैं. प्रोसेस के थ्रू, अगर प्रोसेस के थ्रू ना दिया जाए तो फिर क्या नुकसान होता है उसका? जी क्या नुकसान होता है? तो सर वो जो काम कर रहा होता है उस काम को छोड़ के तो हमारे वाले काम, हमारी इनपुट आउटपुट पे वो काम स्टार्ट कर देता है, जिससे हो सकता है उसके विंडो के कुछ फीचर जो वो बैकएंड पे कर रहा हो वो पास हो जाएं. वो पास, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड अपडेशन का इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल यही फाइल मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अगर मुझे स्टोरेज तक की एक्सेस मिल जाती है तो मैं क्या करूँगा, अब एक फाइल दो नाम से सेव नहीं हो सकती, ऐसी है, या एक फाइल जब ओपन हो तो आप उसको रीनेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? Yes. अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल साइलेंट हो जाए, ठीक है, तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर सर हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह वो कहता है कि डायरेक्ट आईओ वीएमए भी क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसमें वो कहता है कि जी हमें डायरेक्ट मुझे वो चाहिए होती है एक्सेस दे सकते हैं. ये आर्किटेक्चर भी इसके अंदर अवेलेबल होता है, किसके अंदर, क्लाउड के अंदर ना. VMSS वेरियस फिजिकल आईओ सर्किट्स कार्ड्स होस्टिंग सर्वर थ्रू अ हाइपरवाइजर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आईओ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है. उसमें वो कहता है कि ना हम जो लॉजिकल यूनिट्स हैं उनको निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि तस्वीर में आ रहा होगा, अगर तस्वीर हाँ ये है ना, ठीक है. अब उसने बताया है कि आपका जो ये है VMs है जो थ्रू मैनेज हो रही है हाइपरवाइजर के जरिए, आपके जो लॉजिकल यूनिट्स हैं वो देख रहे हैं और आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, क्लाउड पे डाटा स्टोर करा रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं कहता हूँ कि ये जो स्लाइड्स है जो मैं लेक्चर जूम पर किया है, ये मुझे बता दिया है कि मेरे लॉजिकल यूनिट वन पे स्टोर हुआ है. एक्चुअली स्टोर कहाँ हो रहा होता है, वो क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर हो रहा होता है, लेकिन आगे उसकी जो फर्दर लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जैसे ड्राइव, ये सी ड्राइव है, ये
डी ड्राइव है एक्चुअली, लेकिन बेसिकली कहाँ पे है ये, मेरी स्टोरेज में स्टोर हो रहा है ठीक है। अब वो कहता है कि जी अगर हम क्या करें, हमें अगर डायरेक्ट आईओ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, बीच में से जो ये लॉजिकल यूनिट्स वाले है ना इसको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हाइपरवाइजर डायरेक्टली क्या कर सकता है, हमारे स्टोरेज उसको क्या कर लेगा, असेस कर लेगा। जी कंसेप्ट क्लियर आया कुछ, जेन क्लियर हुआ कुछ, आयो का स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर है इसका, जिसमें अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करते हैं, अगर उसमें आप थ्रू प्रोसेस निकाल दें ठीक है तो फिर क्या होगा। अब जब जाहिर है जब आप लॉजिकल यूनिट से निकाल दी है उसने, आपने आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं उस मेमोरी को असेस कर रहे हैं, तो उसके क्या है कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ठीक है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर कहते हैं। जी कहते हैं कि दिस आर्किटेक्चर इज अ पॉसिबली असेसिंग द फिजिकल फ्रॉम वीएम्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ हाइपरवाइजर्स ठीक है। द फिजिकल सर्वर सीपीयू हैज टू कंपैटिबल विद, अच्छा वो कहता है अगर ये फिजिकल सर्वर है उसके अंदर ये ऑप्शन है, आपका सीपीयू अगर आपको अलाउ करता है कि क्या करो भाई डायरेक्ट इनपुट आउटपुट क्या कर लो असेस कर सकते हो, फिर ये सर्विस चलेंगी, अदरवाइज ये सर्विसेज नहीं चलेंगी। बात फॉलो की है। फॉर एग्जांपल इस सीपीयू में अगर मैं कहता हूँ कि मेरे जो सिस्टम है इस सीपीयू में क्या है कि डायरेक्ट आईओ की जो कंपेटिबिलिटी है वो क्या है ऑन है, फिर ही मैं क्या कर सकूंगा डायरेक्ट असेस कर सकूंगा, अदरवाइज डायरेक्ट असेस मैं नहीं कर सकता ठीक है। तो वीएम असेस वेरियस फिजिकल आईओ कार्ड होस्टिंग सर्वर थ्रू अ हाइपरवाइजर, दिस इज कॉल्ड आईओ वर्चुअलाइजेशन। हाउएवर मेनी टाइम्स इट्स अ डस्टिंग प्रॉब्लम, हाउएवर मे कम विद हाइपरवाइजर असिस्टेंट थ्रू बॉटम नेक ऑफ द कंकरेंट यूजर ठीक है। वो कहता है कि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं इसके ना। अच्छा जो वही मॉड्यूल है, पेपर यूज है, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है, ये इसको जरा देख लीजिएगा ठीक है। डायरेक्ट आईओ लॉजिकल जो नंबर असेस टाइप ऑफ, ये भी जो आपको मैंने डायग्राम के जरिए समझा दिया है ठीक है, तो ये है इसके जरिए आप डायरेक्ट इसको असेस कर सकते हैं। जी यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हैं? जी सर। जी बोर तो नहीं हो गए थ्री थ्री पढ़ के? नौ का किसी ने नहीं कहा अभी तक, यानी बोर हो रहे हैं। अच्छा चलें थोड़े थोड़े इनके कंसेप्ट्स हैं ये देख लीजिएगा। डायनेमिक डेटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर्स ठीक है, अभी इसके बाद आपका ना क्विज होगा ठीक है, जब नया सेशन रिज्यूम होगा तो फोर ये क्विज होगा आप लोगों का ना, मे बी इसी स्लाइड में से ही हो। अच्छा डेटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर्स, डेटा नॉर्मलाइजेशन आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? डेटा नॉर्मलाइजेशन सर डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की तीन चार फॉर्म्स होती हैं, चार फॉर्म्स बेसिकली, तो उसमें डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, उसमें से रिडंडेंसी खत्म कर देते हैं, डुप्लीकेशन फंक्शनल जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो हो, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव हुई भी हो, यानी कि डेटा बिल्कुल क्या हो एक्यूरेट हालत में हो। बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि डायनामिक डेटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर्स है ना वो भी यही कहता है कि जब आप डेटा को स्टोर करा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लाइड आपको पहले अपलोड की हुई होगी ना क्लाउड पे, तो मुझे दोबारा अपलोड करने नहीं देगा ठीक है, यानी कि मेरी उस फाइल को पहले नॉर्मलाइज करेगा, उसको देखेगा कि आया ये सेम फाइल पहले अपलोडेड तो नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्लास? अगर मैं एक फाइल अपलोड करूँ तो मुझे बता दे कि ये फाइल पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन ये मतलब क्लाउड सर्वर पे तो नहीं होता ऐसे, तो अगर यूएसबी में अगर एक ही चीज सेम नाम से अगर दोबारा उसको करें तो उस पे बता देता है कि इस फोल्डर में ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो या स्किप कर सकते हो।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही काम होता है, क्लाउड में भी ऐसे ही काम होता है। ठीक है, लेकिन सर क्लाउड में मैसेज शो नहीं होता है, वो उसे कॉपी कर देता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं करता उसकी फाइल को। डुप्लीकेट नहीं करता? नहीं नहीं, डुप्लीकेट वो आपको डुप्लीकेट करता है सर। आपने XEF पढ़ा था ना आप लोगों ने? यस सर। उसमें क्या था? इमेज की एक्सटेंसिबल इमेज फॉर्मेट, इमेज की डाटा बेस। अगर अगर वही चीज हम किसी उस पर अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर? किसी फाइल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, हाँ उसका डाटाबेस भी सारी चीजें। एक्चुअली जब हम डाटा कर रहे होते हैं ना क्लाउड पे, वो ना उसका एक हैश टेबल क्रिएट कर लेता है, हैश कोड क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जब वो हैश कोड फॉर एग्जांपल मेरी उसका करेगा, मेरी स्लाइडों का करेगा, तो अगर ये पहले से पड़ी होंगी तो वो सेम हैश कोड के करेगा, दोबारा जनरेट कर लेगा। वो मुझे बता देगा कि ये फाइल क्या करती है, आरईडी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक तरीका मैं कहूँ कि जी ये 700 KB की फाइल है, अगर 700 KB की फाइल दोबारा आएगी तो क्या करेगा वो, उस 700 KB की फाइल के कंटेंट को मैच कर लेगा, मैच कर लेगा, XEF कर लेगा। अगर दोनों के कंटेंट सेम होंगे तो वो क्या कहेगा, वो आपको बता देगा कि ये फाइल जो है ये क्या है, ये सेम फाइल मेरे पास ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। अच्छा, अगर दो फाइलों में मैं एक डॉट लगा देता हूँ, सिर्फ क्या लगाता हूँ, एक डॉट का डिफरेंस, डॉट का डिफरेंस लगाता हूँ, दोनों का हैश कोड सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा जी क्लास, डिफरेंट होगा। यस सर जी, वाकई डिफरेंट होगा जी, वाकई डिफरेंट होगा। तो दो फाइलें क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी विद अ सिंगल डॉट। एक सिंगल डॉट क्या कर रहा होगा, सिंगल डॉट की वजह से आपका हैश कोड क्या हो रहा होगा, यानी कि वो कहता है कि जितना भी डाटा की प्री प्रोसेसिंग फाइलिंग के हवाले से होगी ना, ये कौन कर रहा होगा, ये डाटा नॉर्मलाइजेशन कर रहा होगा। तो आके क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स द डाटा डी डुप्लीकेशन बाय प्रिवेंटिंग द कंज्यूमर टू स्टोर रेप्लीकेटेड डाटा। आपने अक्सर अपने मोबाइल पे देखा होगा वो बता रहा होता है डुप्लीकेट फाइलें इतनी है, बता रहा होता है ना, जब आप मेमोरी क्लियर कर देते हो, कर रहे होते हैं ना, वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी XEF कर रहा होता है, वो हर फाइल का हैश कोड चेक कर रहा था। अब कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट नेम के साथ होती हैं, लेकिन दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि जितनी भी नॉर्मलाइजेशन है डाटा की स्टोरेज के ऊपर, इसको ये डायनामिक डाटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर चलाता है। ठीक हो गया, कहते हैं दोनों पे अप्लाई होता है, ब्लॉक स्टोरेज पे अप्लाई होता है और फाइल स्टोरेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप उसको। कहते हैं एनालिसिस द रिसीव डेटा बिफोर सेंडिंग टू द स्टोरेज, जैसे आप स्टोरेज पे सेंड करेंगे वो पहले क्या कर लेगा, ये आपका एनालिसिस करके बता देगा। फॉर एग्जांपल जो मेरा वो था g.tt बताया हुआ था ना आप लोगों को, जी सर ये बताया था जी, इसके ऊपर आपको वो बता रहा होता है कि जी ये बता रहा है हर एक के अंदर, जैसे वेब इंजीनियरिंग 9 PPTs हैं, 2 क्या हैं, PPTX हैं और 2 कितने हैं, PDF हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बता रहा है 10 क्या हैं, PPTX हैं, 2 PPTs हैं, 4 PDF हैं। यानी कि जब वो क्लाउड पे डाटा भेजेगा तो वो पहले उसका कंप्लीट XEF कर लेगा, उसकी डाटा नॉर्मलाइजेशन कर लेगा, करके आपको बताएगा कि क्या है, कि ये फाइल डुप्लीकेट तो नहीं है, सेम कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, और वो उसको बकायदा उसको बताएगा कि इतने मेरे पास XEF है, इतनी मेरे पास PDF है, इतनी PPT है, इतनी PDX है, इतने वर्ड्स हैं, हर डॉक्यूमेंट को काउंट करके आपको बता रहा होगा। ठीक हो गया, क्लियर है क्लास? जी अच्छा, कहता कि ईच डेटा ब्लॉक इज एनालिसिस बाय द हैश कोड इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, जो कंटेंट के मुताबिक क्या किया जाता है, हैश कोड क्रिएट किया जाता है, वो हैश कोड ऑलरेडी स्टोर आइटम के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अगर वो मिल जाता है तो फौरी बता देता है कि डुप्लीकेट कोड हो गया है, उसको रिजेक्ट कर दो कि ऑलरेडी क्या है, पड़ा हुआ होता है। ठीक है, the new block are saved after the hash code is checked
एंड ऑल्सो क्लाउड ऑफ बैकअप स्टोरेज। अच्छा वो कहता है वो बैकअप स्टोरेज के लिए भी क्या होता है ये, इसको आप हेल्पफुल कर सकते हैं। जब बैकअप ले रहे होते हैं तो वो जो आपके डुप्लीकेट फाइल होते हैं उनको इग्नोर कर देता है वो ना जी। इसको हम कहते हैं डायनामिक डेटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ गया है इलास्टिक नेटवर्क कैपेसिटी आर्किटेक्चर। अच्छा कितने रह रही हैं, स्टोरेज, क्रॉस स्टोरेज, इंट्रा स्टोरेज, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, मल्टीपल परसिस्टेंट आर्किटेक्चर, स्टोरेज, ठीक है। अभी हैं 7-8 अभी और रहते हैं, यानी कि आखिरी सेशन में ही होगा। अच्छा जी चले, एक मिनट से रेस्ट रह गए हैं, 35 हो रहे हैं, 45 पे दोबारा रिज्यूम करेंगे हम, ठीक है। ठीक है सर।